हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। हरियाणा के ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में किसी भी दल को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को सबसे अधिक सीटें मिलती नजर आ रही हैं, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से दूर है। बीजेपी 20 से 28, कांग्रेस प्लस 50 से 58, अन्य को 10 से 14 सीटें मिल सकती है। रिपब्लिक मैट्रिक्स एग्जिट पोल में बीजेपी 18 से 24, कांग्रेस प्लस 55 से 62 और अन्य 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी 18 से 28, कांग्रेस 53 से 56, जबकि अन्य 4 से 13 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स में किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टीवी टुडे सी वोटर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। एनसी-आईएनसी गठबंधन को 40 से 48 सीट और बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पीडीपी को 6 से 12 सीट का अनुमान है। रिपब्लिक मैट्रिक्स की एग्जिट की माने तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 28 से 30 सीट मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31 से 36 सीट जा सकती है। इस सर्वे में पीडीपी को 5 से 7 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक एनसी-आईएनसी 35 से 45, बीजेपी 24 से 34 और पीडीपी को 4 से 6 मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल ऑफ पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 26, कांग्रेस को 57 और अन्य के खाते में 7 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 28, एनसी कांग्रेस को 41 और पीडीपी को 10 और अन्य को 11 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सभी दलों ने अलग अलग दावा किया है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार लोगों की अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 8 तारीख को आएगी पूर्ण बहुमत के साथ, हमें पूरा विश्वास है। हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी। सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी।